केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल में आ रहे हैं, मुस्लिम बहुल इलाका, लेकिन सत्ता पक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, कोई गंभीर आरोप लगा रहा है। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन साहब हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने आ रहे हैं, समाज में तनाव फैलेगा, हिंदू मुस्लिम वहां किया जाएगा। ये पूरी तरह निराधार है। देश के गृह मंत्री का सीमावर्ती इलाके में दौरा है, उससे सीमावर्ती इलाका मजबूत होगा या कमजोर होगा? वहां हमारी बहुत पकड़ है। हम लोग कि अररिया, पूर्णिया, कटिहार कई बार जीते हैं, किशनगंज एक बार मैं जीता था वहां से। वो सब सीट ऐसी है जहां कमल खिल चुका है पहले भी, तो उससे पार्टी को भी मजबूती मिलेगी और देश को भी मजबूती मिलेगी। जो बॉर्डर का इलाका है वहां पर नेपाल का बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है बगल में, तो आगे जाइए तो बर्मा का बॉर्डर है। तो इन सबको देश के गृह मंत्री के दौरे से वहां लोगों में उत्साह है। वो आकर रात्रि विश्राम वहां करेंगे, वहां रुकेंगे, कितना उत्साह का माहौल है। और हमारे जो विपक्ष में जो विरोधी लोग हैं वो ऐसे कह रहे हैं वहां तनाव हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम होगा। भाई देश के गृह मंत्री देश को मजबूत करते हैं जहां जाते हैं, सौहार्द बढ़ेगा उनके आने से। एक बड़ा चर्चा चल रही है कि यूनियन टेरिटरी बनाया जा सकता है, एकदम निराधार है, इसमें कोई भी कहीं से भी तथ्य नहीं। बिहार झारखंड बंटवारा तो पहले ही हो गया, अब बिहार का एक और बंटवारा होगा। यूनियन टेरिटरी ऐसे गलत प्रचार कहने के कि अलग से बनाएंगे, एकदम गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश भी विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं। अब नीतीश और लालू सोनिया से भी मिलने जाने वाले हैं, तो क्या 24 में चुनौती ये लोग बन पाएंगे, एकजुट हो पाएंगे? नहीं, सोनिया जी के तो दरबार में जाना ही पड़ता है, बड़ी पार्टी है, उनकी पार्टी का यहाँ समर्थन है। अब हम तो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी इंडस्ट्रीज से मिलने जाएं, उद्योगपतियों से मिलने जाएं, उनको यहाँ लेकर आएं, उस काम में भी लगना चाहिए। सोनिया जी से मिलना उनका कार्यक्रम होगा, तो पहले भी गए थे, सब लोगों से मिलकर आए थे, लेकिन 2024 में तो हम लोगों की सरकार बननी है। जिन नेताओं से मुख्यमंत्री जी ने मुलाकात की थी नीतीश कुमार जी ने, उन सबको मिला के भी 25 सीट नहीं जीते हुए, उनसे ज्यादा तो इन्हीं के पास सीट है। कम्युनिस्ट पार्टी, येचुरी, जो माले के नेता हैं उनसे, दीपांकर भट्टाचार्य, राजा जिनसे, एनसीपी के नेता चौटाला साहब, इन सब के एमपी को जोड़ लीजिए, तो अगर अभी जितने हैं उतने जुड़ेंगे तो क्या 50 का भी आंकड़ा पहुंचता है? और कहा जाता है बीजेपी को ही घटा देंगे, तो चुनाव अपने जीतने के लिए लड़ा जाता है, दूसरे को घटाने को नहीं लड़ा जाता है। अच्छा शाहनवाज जी, ये यूपी में मदरसों का सर्वे हो रहा है, क्या बिहार में भी इसकी जरूरत है, खासकर सीमांचल इलाके में? नहीं, कहाँ पे सर्वे हो रहा है, यूपी में किस तरह से शुरू हो रहा है? नहीं, सरकार के पास तो सारा डाटा रहता ही है, यहाँ भी डाटा है ही सरकार के पास। एक आखिरी सवाल सर, जदयू में अरुणाचल में टूट हुआ, मणिपुर में हुआ, और दमनदीप में भी उसकी पूरी इकाई आ गई है जदयू में, तो क्या माना जाए कि बिहार में भी कोई बड़ा ऑपरेशन जदयू में बीजेपी? एकदम गलत है, लोग आते हैं, हमको तो आप ही से पता लग रहा है कि यहाँ भी जदयू का कोई यूनिट था, अब वो यूनिट क्यों चला गया ये वो जवाब देंगे, लेकिन हम लोगों का तोड़ फोड़ में तो कोई यकीन नहीं है। और बिहार में क्या, हम लोग विपक्ष में है, मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। कई लोग संतोष बताया जा रहे हैं, तो क्या महागठबंधन बना है तो कल? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि कौन किस में असंतोष है, हम लोगों के टच में कोई नहीं। तो ये थे हमारे साथ मुद्दे पर बातचीत करते हुए शाहनवाज हुसैन, कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना।